आप अपने हाथों को खोलिए, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल दिखाइए और जोरदार तालियां बजाकर पंकज वैष्णव को बुलाइए, भाई पंकज वैष्णव जोधपुर। ऊपर करो इसको, ये देश में समस्या है ही साहब, कोई भी कभी माइक के बराबर बना ही नहीं। मैं तो इन माइक वालों को भी कहता हूं कि दो ईंट रखा करो, कभी बड़ा आ जाए तो माइक के नीचे फंसा दो और कोई मेरे जैसा हो तो कभी के नीचे फंसा दो। जोरदार तालियां एक बार भाई पंकज वैष्णव के लिए, ये बिल्कुल बीच में व्यवस्था, जोरदार तालियां बजाकर बिल्कुल तालियां बजाते रहे, ये तालियां नरेंद्र मोदी बजवा रहे, पूरा देश बजा रहे, बढ़िया चल रहा है मामला। हाँ भाई पंकज भाई जी। हेलो, सर्वप्रथम सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ, जोधपुर की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ, पिता तुल्य कन्हैयालाल जी पारेख साहब को प्रणाम करता हूँ, दिनेश जी गौड साहब को प्रणाम करता हूँ कि एक छोटे से रेफरेंस से उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन में भाग लेने का मौका दिया, और आप सभी की तरफ से जोधपुर वासियों की तरफ से इन कवि गणों का प्रणाम करता हूँ। मेरा पहला कवि सम्मेलन है, एक नवजात कवि अपनी नादान कलम से कुछ कहने के लिए आपके बीच में आया है। वैसे मैं गुणी नहीं हूँ, मैं यहाँ कुछ रहस्य ढूंढने के लिए आया हूँ। जी भाई, अब रहस्य क्या है कि 3 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, मैंने वोट दिया, एक सरपंच बने, एक MLA बने, एक MP बने, मैं क्या बना ये रहस्य आज तक। तो आप सबको जोड़ता हूँ कि लक्ष्य चल रहा है, अभी मैं जहाँ हर तरफ देख रहा हूँ कि 2019, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लक्ष्य किसका है। लक्ष्य तो हमने 2014 में प्राप्त कर लिया था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर, उन्हीं दिनों मेरे एरिया में चुनाव हो रहे थे, तो हमारे संसद क्षेत्र से एक महिला खड़ी हुई, सफारी की गाड़ी में वो आती थी जी जी जी, अपनी खिड़की खोल के हाथ बाहर निकालती थी और सबको कहती थी मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे वोट देना है, मुझे वोट देना है। मेरे पास आई तो वोट हट गया, बोला मुझे देना है। क्या बात। तो मैंने सोचा दिल देना है, मैंने उनको अपना दिल दे दिया, वो चुनाव जीत गई, उसके बाद वापस कभी नहीं आई, मेरा दिल टूट गया। तो मैंने 4 लाइनें लिखी है, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, वाह वाह, हाथ मेरे बंधे थे, बंधे रह गए, तुम मोदी लहर में मंत्री बनी। और अगली लाइन पर आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम मोदी लहर में मंत्री बनी, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। भाई जोरदार बजाना, मैं तो करके आदमी हूं। पहले दिल टूटा, फिर वादे टूटे, तो मेरी लाइन कुछ और लिखने की कोशिश करी मैंने के हाथ यूं छोड़ कर कहां चल दिए, हाथ यूं छोड़ कर कहां चल दिए, दिल मेरा तोड़ कर कहां चल दिए, मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी, मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी, तुम झाड़ू थमा कर कहां चल दिए। वाह। मेरी हाइट है 6'2", श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के बराबर। क्या बात। मेरा वजन है 125 किलो 645 ग्राम। आज ही तोल के आए हो। जोधपुर का देसी घी खाता हूँ और इसके ऊपर अमिताभ भट्टाचार्य जी की एक गीत है, उसको मैंने रूप दिया है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभिनंदन। वैसे तो मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन स्वयं पर हास्य करते हैं, कहते हैं वो सबसे अच्छा हास्य होता है। जी जी। तो मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ पूरा, कि मेरी माँ अगर मुझे पेट में ही मार देती तो बिहार में बाढ़ ना आती और राजस्थान में अकाल ना पड़ता, माँ मेरी भोली और बाप मेरा होशियार था,
और बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ मैं पहला परमाणु हथियार था। ताली ताली कंजूसी नहीं। और पैदा करते ही मेरी माँ जोर से चिल्लाई और लेके अशोक चक्र सरकार दौड़ी दौड़ी आई। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने मेरे पिताजी को साइड में लेके डांट लगाई, अरे कहां से लाए आदि मानो मेरे भाई, क्या बात है। दर्जी ने बोला इंची टेप अपने बगल में चापे के कमर तो नापते हैं मगर हम कमरा कैसे नापे, क्या बात है, वाह अच्छी बात है। और पत्थर के पालने में जब मैं लेटा रोता था सारा मोहल्ला मेरे आंसुओं से बर्तन धोता था। अच्छी चीज है, अच्छी चीज पे ताली नहीं बजाते ये। अब मेरे खाने की चीजें बता दूं कि लालू का लाल खा जाऊं, वाह, नक्सल बारी की छाल खा जाऊं, बेमौत मरते मन का मलाल खा जाऊं, वाह, हया तो छोड़ो बेहया की चाल भी खा जाऊं, क्या बात है, क्या बात है। अब क्या आ गई पकड़ में? बचपन का धमाल बुढ़ापे की शाल भी खा जाऊं और परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाऊं, वाह ख्याल भी खा जाऊं। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि लड्डू गोपाल हूं, पूरा चौपाल हूं, खड़ा तो इटारसी बैठू तो भोपाल हूं, वाह वाह वाह। और मेरी जो साइज है मेरी माँ का प्यार है और हजम किया मैंने अपने बाप का कारोबार है, क्या बात है। इसके साथ ही मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अपना जोधपुर शहर इतना अच्छा शहर है इसके ऊपर मैंने गीत लिखा है, आप सब जरूर उसे देखें। बिल्कुल, तो मैं उसकी चार पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सुनाइए सुनाइए। कि जोधपुर है मेरी शान, मेरा प्यारा जोधपुर, मेरा प्यारा जोधपुर, सन 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 ये है सन सिटी, थोड़ी नमकीनी है थोड़ी स्वीटी, बोली यहाँ की घनी मीठी, आओ सा बैठो सा जिमो सा पीओ सा, माखनिया की लस्सी पिलो खाओ साई समोसा, वाह, मिर्ची बड़ा मावा की कचोरी, घेवर चाट घी की कचोरी, करते हैं सबकी फिकर सा, पूछते हैं सबसे हालचाल, और किकर सा और किकर सा और किकर सा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।